वेलकम बैक। अब दुनिया में हिंदुस्तान के ब्रह्मास्त्र का डंका बजेगा। भारत अपने सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस का जल्द निर्यात शुरू करने वाला है। हथियार निर्यात में एक और कदम आगे बढ़ाते हुए भारत ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल सिस्टम को 15 देशों को बेचने पर विचार कर रहा है। बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद इसमें दिलचस्पी लेते हुए सुपरसोनिक मिसाइल बनाने वाली कंपनी ब्रह्मोस एरोस्पेस को प्रोडक्शन बढ़ाने को कहा है। भारत की इस पहल से चीन और पाकिस्तान के होश उड़ गए हैं। चीन पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी। मिसाइल मार्केट में भारत की एंट्री। अब दुनिया में बजेगा ब्रह्मोस का डंका। दुनिया को अपनी ताकत का एहसास दिलाता ये है हिंदुस्तान का ब्रह्मास्त्र, नाम ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज। अपने आप में अलग किस्म का ये मिसाइल आसमान से आफत की तरह दुश्मन पर हमले करने की क्षमता रखता है। और अब भारत ने अपने इस ब्रह्मास्त्र को मित्र देशों को बेचने का फैसला लिया है। हिंदुस्तान अपने आप को सुपर पावर के तौर पर स्थापित करने में लगा हुआ है। ऐसे में मोदी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। ये फैसला है हथियारों को एक्सपोर्ट करने का। इससे भी बड़ी बात यह है कि अब भारत अपना ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल दूसरे देशों को बेचेगा। भारत की नजर 15 देशों पर है जो इस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को खरीदने के लिए उत्साहित हैं। इनमें वियतनाम, इंडोनेशिया, दक्षिण अफ्रीका, चिली और ब्राजील के साथ मिसाइल की बिक्री पर बात चल रही है, जबकि फिलीपींस, मलेशिया, थाईलैंड, यूएई समेत 11 और देशों को संभावित खरीदार के तौर पर देखा जा रहा है। मोदी सरकार ये मानकर चल रही है कि मिसाइलों के सौदों से दुनिया भर में भारत की छवि सुधरेगी, विदेशी करेंसी आएगी जिससे विकास के कामों के लिए पैसा जुटाया जा सकेगा। बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुपरसोनिक मिसाइल बनाने वाली कंपनी ब्रह्मोस एरोस्पेस को प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए कहा है, जिससे दूसरे देशों से आने वाले ऑर्डर के मुताबिक मिसाइलों की सप्लाई की जा सके। दरअसल भारत जल्द ही मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजिम का सदस्य बनने की दहलीज पर खड़ा है। भारत को MTCR की मेंबरशिप मिलने वाली है, जिसके बाद हिंदुस्तान को दूसरे देशों को ब्रह्मोस मिसाइल बेचने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। दक्षिण चीन सागर विवाद को लेकर चीन से नाराज चल रहे वियतनाम ने साल 2011 में भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने के लिए अनुरोध किया था। हवा, पानी और जमीन से मार कर सकने वाली इस मिसाइल को पाने के लिए दक्षिण पूर्व एशिया के देश फिलीपींस और मलेशिया पहले से ही ललायत हैं। ऐसे में भारत की इस पहल पर सबसे ज्यादा नजर चीन की होगी। मिसाइल मार्केट में भारत की एंट्री से सबसे ज्यादा असर दक्षिण एशिया की सामरिक स्थिति पर पड़ने वाला है। दुनिया के इस सबसे तेज मिसाइल पर 2011 से ही वियतनाम की नजर है। दक्षिण चीन सागर को लेकर वियतनाम और चीन को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा है। वियतनाम इस मिसाइल का इस्तेमाल चीन से बचाव के लिए करना चाहता है, वहीं फिलीपींस और मलेशिया को भी दक्षिण चीन सागर के मुद्दे पर चीन से तनातनी चल रही है। ऐसे में इन देशों के लिए भारत ने अपनी मिसाइल मार्केट में खोलकर दक्षिण एशिया में चीन के सामने अपनी धमक दिखाने की कोशिश की है। आखिर ब्रह्मोस में क्या है खास जिसकी वजह से इसे खरीदने के लिए 15 देश कतार में हैं? उसकी खासियत क्या है? ब्रह्मोस दुनिया की सबसे तेज गति की मिसाइल है। ये ध्वनि की रफ्तार से भी 5 गुना अधिक तेजी से चलती है और पलक झपकते ही दुश्मन को नेस्ते नाबूद करने का मादा रखती है। ब्रह्मोस को भारत और रूस ने मिलकर तैयार किया है। 8 मीटर लंबी और 3 टन वजन वाली ये मिसाइल 290 किलोमीटर तक मार कर सकती है।